हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द एसएससी सीजीएल प्री एग्जामिनेशन। हम इस सेशन के अंदर मैथ्स का सेक्शन डिस्कस करते हैं कि मैथ्स का पैटर्न क्या रहा है, जिनका आगे क्या आगे एग्जाम, आगे के शिफ्ट्स में एग्जाम, उन्हें क्या क्या करना चाहिए अब लास्ट मोमेंट पर। देखो, सबसे पहले हम एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इससे ज़्यादा ईजी एग्ज़ाम तो आ ही नहीं सकता कभी भी एसएससी का। अब देखो, हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। विक्रम और अजय ये दोनों भाई हैं। विक्रम की जो प्रेजेंट एज है अपने भाई की एज से 2 times है, और 5 years बिफोर 5 साल पहले ये इसका 3 times था। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, इन हमारा मेन मोटिव है इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए। अब 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ, और इन दोनों का डिफरेंस है 1 से मल्टीप्लाई वहाँ करो। इसका मतलब ये वाली वैल्यू होगी 4 और ये वाली वैल्यू होगी 2। अब इनका डिफरेंस देखो सेम हो गया 1 और 1, तो इसका मतलब ये 5 जो है ना ये 1 की वैल्यू है, तो 1 = 5, तो 4 5, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 20। तो 20 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी हमारा एग्जाम ऐसा नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन हमारा ऐसा नहीं आया जो हमें दिक्कत करेगा। देखो, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 2πr * रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr * रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब 2r की वैल्यू दी हुई है 84, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेवोल्यूशन है 8। तो हमसे डिस्टेंस पूछी है, 7 से कटेगा 12 times, इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। अगर आपने कहीं भी मैथ पढ़ी होगी तो ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 and 225। ठीक है, अगर ए प्लस बी की जो वैल्यू है ना, या तो 45 है या 225 है, तो 1 + 10a * 1 + 10b इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, तो हमें 45 गिवन है और ये वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब ये होगी 2 * 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हम फोर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, x = 4 cos a + 5 sin a। सबसे पहले हम x और y को लिख लेते हैं, y = 4 sin a - 5 cos a। तो हमें यहाँ से x² + y² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये भी डायरेक्ट होता है, इन दोनों का स्क्वायर करो, कितना हुआ है 16 + इनका स्क्वायर 25, तो x + y की वैल्यू होगी 41। देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें बताना है सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है, देखो ये है, ये R1, ये है अपने R2, ये है H1, ये है H2। तो वॉल्यूम 1 क्या होगा, तो वॉल्यूम 2 का हमें रेशियो बताना है, तो पाई R1 का स्क्वायर * H1 का स्क्वायर / पाई R2 का स्क्वायर * H2 का होल स्क्वायर। देखो, पाई से तो पाई कट जाएगा, इससे हमें ये बात पता चली कि हमें रेशियो के, अगर हमें रेशियो निकालना है ना, तो हम जो कॉमन टर्म है ना उसको हम हटा देते हैं दोनों में से। ठीक है, अब देखो R1 की वैल्यू हमारे पास 3, तो R1 स्क्वायर हो गया 9 * H1 की वैल्यू है 4, तो H1 कितना हो गया 16 / ये वाली वैल्यू है 4 और ये वाली वैल्यू है 9, तो इसका मतलब 36। इसका मतलब 4:1 हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी, और ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, डी और ई, तो हमें इस पूरे, हमें दिया ट्रायंगल ए बी सी का एरिया है 44। तो हमसे पूछा है इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, पूछा हमसे बी डी और ई। देखो, हमने ये फिगर गलत बना दी, देखो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, अब हम बनाते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी। अब हमसे बोला डी और ई आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी ए एंड बी सी, बी ए
और बी सी के मिड पॉइंट्स हैं डी और ई, ठीक है। अब हमें दिया है इस पूरे ट्रायंगल, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, ठीक है। पूरे पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया है 44, तो हम इसको यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, तो ये फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है हमेशा। तो इसका मतलब अगर इसको फोर से डिवाइड कर देंगे तो एरिया आ जाएगा हमारा 4, 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 11। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर एक रेक्टेंगल की साइड हमें बताना, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज 20% देन व्हाट विल बी द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया होता क्या, एल एल बी, हमारे पास एल है 20, हमने एल को 40% इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब 40% के फ्रैक्शन 2/5। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में लेंथ 5 होगी तो न्यू कितनी हो गई होगी, 7। सेम इसी तरह उसको 20% डिक्रीज कर दिया, अगर हमारे पास स्टार्टिंग में ब्रेथ 5 होगी तो अब कितनी होगी, 4। तो स्टार्टिंग में एरिया कितना होगा, एल बी 25, अब न्यू एरिया कितना होगा, 28। तो हमसे ये पूछा है इस एरिया में कितने परसेंट चेंजेस आए, तो इसका मतलब 3 चेंज आया हमारे 25 × 100, तो इसका मतलब हमारा 12% का चेंज आया इस एरिया के ऊपर। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 28%, इफ़ द मार्क प्राइस वॉज 224 देन वॉट वॉज कॉस्ट प्राइस। देखो ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 100 - discount = cost price एंड 100 + profit = mark price, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, 12% प्रॉफिट, इसका मतलब ये वाली वैल्यू होगी 112, 28% डिस्काउंट, इसका मतलब ये वाली वैल्यू होगी 72। अब हमारे को ये वाली वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 224, इसका मतलब ये इसके 2 times है ना, तो यहाँ भी आंसर सेम इसका 2 times होगा, ये आंसर होगा 11144, तो 144 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस, इफ ही 10% लॉस तो इसका मतलब 90, If he had sold this article at 20% profit, इसका मतलब 120, then he would gain 332, 332 रुपये का प्रॉफिट कमाता है वो इस चेंज होने की वजह से। तो ये कितना चेंज है, 30% का जब हम चेंज करेंगे तो उसको 332 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो 1% की वैल्यू होगी इतना। तो हमसे पूछा what was the selling price when the article sold at loss, इसका मतलब लॉस वाली वैल्यू 90 है ना, तो बस ये 90 से मल्टीप्लाई कर, 3 की वैल्यू 3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आगे 996। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट कॉस्ट। देखो सबसे पहले अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, अगर उसके कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उन्हें 25% प्रॉफिट पे बेचा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस होगा 20%, तो उसका प्रॉफिट है 25, ठीक है। एंड इस सेलिंग प्राइस इंक्रीज 10%, अगर उसका सेलिंग प्राइस 10% इंक्रीज हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो है 5:3, ठीक है। तो हमारे पास 5:3 की वैल्यू गिवन है 640, इसको 8 की वैल्यू 640, 1 की वैल्यू 80। तो हमारे पास बॉयज एक्चुअल में है कितने, एक्चुअल में हमारे पास 400 बॉयज हैं और 240 गर्ल्स हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये बोला अगर हम गर्ल्स को 30 इंक्रीज कर दें तो हमें बॉयज को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये रेशियो हमारा 14:9 हो जाए। तो बस यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सम ऑफ 43, देखो अगर कोई भी सो सम है 4300 से 4644 हो गया 2 साल के अंदर, इसका मतलब उसे 344 इंटरेस्ट मिला, इज इक्वल टू 4300 × 2 × r/100। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो r आएगा 4%, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, देखो सिंपल इंटरेस्ट की रेट होती है हर साल बराबर, अगर फर्स्ट ईयर हमें 4% से इंटरेस्ट मिला तो सेकंड ईयर भी 4 से मिलेगा, थर्ड ईयर भी, इसका मतलब जो है जो हमें 5 ईयर तक इंटरेस्ट मिला होगा ना वो 20% तो उसमें ये रही होगी रेट और वो 100% ओरिजिनल होगा, इसका मतलब 120 की वैल्यू है 14.56। देखो एक सेकंड रुको, मैं
मिस्टेक हो गई, इसका मतलब 120 की वैल्यू है जो हमें गिवन है 14145 इंटू 6, तो 1 की वैल्यू होगी 14145 इंटू 6 अपॉन 120। देन हमें 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये आएगा 11788। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 15 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम ए बी और सी को लिखते हैं। ए ने वर्क किया 24 डेज, इन्हें 15 डेज, 10 डेज। अब हम इनकी एफिशिएंसी देखते हैं कितनी है। इनका एलसीएम हुआ 120, तो ये 12, ये 8 और ये 5। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोला। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड वर्क 3 डेज। ए और बी ने वर्क स्टार्ट करा और 3 दिन तक काम करा। ए और बी की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है 5, बी की 8, सी की 12, तो ए और बी की एफिशिएंसी होगी 8 और 5। तो ये 3 दिन में कितना काम करेंगे, 39, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है, 120। अगर हम 120 में से 39 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा 80। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये बोला ये 81 जो वर्क है ना, इसको सी अलोन कितने दिन में करेगा। तो इजी, इसको बस सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, इसका मतलब ये होगा 27/4 एंड दैट इज ए ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर के तो बस हमसे डिवाइड ही करना था, 170 अपॉन 24 इंटू 18 अपॉन 5। ये करा हमने किलोमीटर प्रति घंटे आर्स में बदलने के लिए, ठीक है। इसको बस इस क्वेश्चन के अंदर तो बस हमें इतना ही सॉल्व करना है। देखो एक आइसोस्केलियन ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी एंड सी इज ए आइसोस्केलियस ट्रायंगल। देखो ए बी और ए सी बराबर है, अगर ए की वैल्यू 52 है, ए बी और ए सी बराबर है, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, सिंपल बात है। तो ये भी 64 और ये भी 64, ये एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन है। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, हार्ड के पीछे तो भागो मत, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें पढ़ो बस। देखो इसका एक मेथड तो हमारे पास है, फॉर्मूला पुट करें और बिल्कुल सॉल्व करें। सेकंड मेथड है हिट एंड ट्रायल। अगर हम यहाँ से वैल्यू एज्यूम करते हैं 9 और 5, ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और सेकंड भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 9 की क्यूब कितनी होती है 729 प्लस 725, ये हमारा आंसर है, ठीक है, बस इनको ऐड करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, ए की पावर 2a इज इक्वल टू वाई की पावर 2b इज इक्वल टू जेड की पावर 2c और एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, और एक्स वाई जेड जो है ना जीरो नहीं है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अगर हम किसी भी तरीके से इसको बराबर प्रूव कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो वो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू होंगी। तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर वन रख के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है। देखो दोनों सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, तो बस ए बी सी की वैल्यू होगी, होगा 1 + 1 + 1 अपॉन, तो 3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। या फिर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप ए बराबर बी बराबर सी बराबर 2 भी पुट कर सकते हो, ठीक है। हम देखो 2 पुट करके देखते हैं कितना होगा, 4 + 4 + 4 12 अपॉन 2 × 2 = 4, देखो तब भी 3 आया। तो दोनों में से आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। देखो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो 2018 सीजीएल मेंस में आया था क्वेश्चन, अब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन सेम आया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13 एंड जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 17। देखो सिंपल, इन तीनों को ऐड करो, एक्स 2 times, वाई 2 times एंड जेड 2 times, तो इसका मतलब 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू होगी हमारे पास 90। अगर हम यहाँ से x प्लस जेड की y की वैल्यू 8 पुट कर देते हैं तो z की वैल्यू 11, ठीक है। अगर हम यहाँ y प्लस जेड की वैल्यू 13 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू 6, अगर हम यहाँ से z प्लस x इज इक्वल टू 17 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू 2, तो x, y, z तीनों की वैल्यू आ गई। बस वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो TCS का सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जब से TCS आई है कोई एग्जाम आज तक ऐसा गया नहीं जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना आया हो। देखो अगर हमें किसी भी नंबर को 8 से डिवाइड करना है, इसका मतलब उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, ये बात सबको पता होगी। अब हम देखो, अगर हमारे पास x की वैल्यू पूछी, हम x की वैल्यू ना डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करेंगे, पहले देखते हैं 0 रखने के बाद क्या ये तीनों वैल्यू 8 से डिवाइड हो रही हैं। अगर ये 0 से सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर 1 रखेंगे।
अब हम इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 से 48 कितना हुआ 2 और 4 तो 8 3 24, इसका मतलब ये डिवाइड हो गया ना, तो बस ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है। देखो ये तो आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। पाई चार्ट बिल्कुल सेम आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में भी सेम पाई चार्ट्स आए थे और यहाँ भी बिल्कुल सेम पाई चार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। बस कुल मिला के एग्जाम के में लास्ट में बस ये बात है कि बस फॉर्मूले पढ़ो, कुछ नया मत पढ़ो, ठीक है। ओके, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे आप आज के एग्जाम के एनालिसिस के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।